आज हम एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टर्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाम इंडिकेट कर रहा है वेजिटेटिव, मतलब हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके वेजिटेटिव पार्ट से फॉर्म कर रहे हैं। देखिए, न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट। किसी भी न्यू प्लांट, यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर कोई भी न्यू प्लांट ओल्ड प्लांट के किसी पर्टिकुलर पार्ट से लेकर बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल स्टेम, रूट एंड लीव्स। मतलब हम किसी ओल्ड प्लांट के स्टेम को यूज करें और एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करें, लीव की यूज करें और उसका एक ओल्ड प्लांट और न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करें, तो उस टाइप की प्रोपेगेशन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पर किसी टाइप का कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ वन मोर बर्ड्स। पर्टिकुलर उसमें एक अपने आप खुद ब खुद क्या हो रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड ओल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर ही बन जाता है। ठीक है, ये जो बर्ड है डॉर्मेंट स्टेट या इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ डॉर्मेंट स्टेट किसे कहते हैं। डॉर्मेंट स्टेट एक इनएक्टिव स्टेट को कहा गया है जिसमें उसको अनफेवरेबल कंडीशन में वो सर्वाइव कर रही है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है ना तो उसे प्रॉपर फूड मिल रहा है, ना प्रॉपर उसे हीट मिल रही है, ना प्रॉपर उसे ऑक्सीजन, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमें प्रॉपर फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बर्ड ग्रो करी है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, डॉर्मेंट स्ट्रक्चर में है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में इजिली सर्वाइव करती है, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करती, मतलब सीज हो जाती है वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कब एक्टिवेट होती है, वो तब एक्टिवेट होगी जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, मतलब प्रॉपर उसे फूड मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा, ऑक्सीजन, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसकी भी जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, वेन प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन, जैसे उसे सुटेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे मॉइस्चर, टेम्परेचर, ठीक है, दीज बर्ड ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट, और तुरंत वो एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर लेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ग्रासेस, अगर आपने देखा होगा कोई ड्राई फील्ड है तो वहां पे रेन वाटर अगर पड़ता है तो आप देखेंगे छोटी छोटी ग्रास उगने लगती हैं। तो ये एक टाइप का किसका एग्जाम्पल है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही एग्जाम्पल है कि वहां पर किस फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट है ग्रास, ये इनएक्टिव फॉर्म में थी, जैसे उसे मॉइस्चर मिला, वाटर मिला, वो तुरंत ग्रो करने लगी। अदर प्लांट्स भी हैं जैसे मनी प्लांट, पोटैटो, गुआवा, अनियन, बनाना, गार्लिक, ट्यूलिप, मिंट, स्ट्रॉबेरी एंड लिली। ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसको आप अपने घर में भी देख सकते हैं। सम टाइम हम पोटैटो एक लार्ज अमाउंट पे घर में ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर उसमें रखा जाता है, तो वहां पर आपको वो चीज नजर नहीं आएगी, बिल्कुल फ्रेश नजर आएंगे। लेकिन घर में आप उसे फ्रिज में नहीं रखते हैं, बाहर रखते हैं, तो इन दिनों टेम्परेचर इतना ज्यादा है, आप देखेंगे अगर पोटैटो 1 वीक अगर गलती से रह जाए आपके घर में तो उसमें ग्रीन कलर की बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने लगती हैं, आई निकलने लगती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शो किया है, दैट इज पोटैटो आई। ठीक है, और फिर यहाँ से रूट और अनदर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलने स्टार्ट करते हैं जो कि न्यू पोटैटो के लिए तैयार है। उन्हें अगर आप थोड़े दिन और ऐसे ही रखेंगे तो वहीं से एक और पोटैटो की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस टाइप के पोटैटो को हम ओल्ड पोटैटो कहेंगे क्योंकि उसको इतना टाइम हो गया है जिसकी वजह से वहां पे न्यू बर्ड की फॉर्मेशन हो रही है और उस न्यू बर्ड से एक न्यू पोटैटो की फॉर्मेशन होगी। तो इस टाइप की प्रोपेगेशन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि पोटैटो क्या है, स्टेम है, ठीक है, और इस स्टेम से क्या निकल रहा है, एक नई प्लांट की, एक नई ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसको दिया गया है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थैंक यू।